हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन बाघ एकेडमी बच्चों पवन बाघ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है बच्चों हम देख रहे क्लास ट्वेल्व का चैप्टर टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीड और आज है उसका लेक्चर नंबर सेवन जिसमें हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर क्या होता है बच्चों अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली exactly प्रेशर होता क्या है प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया है ना देन उसके बाद हमने प्रेशर डेफ्थ रिलेशन भी स्टडी किया था सबसे पहले हमने देखी थी प्रेशर की डेफिनेशन प्रेशर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया उसके बाद हमने देखा था प्रेशर डेफ्थ रिलेशन मैंने आपको बताया था कि प्रेशर सिर्फ एंड सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है जिसका फॉर्मूला होता है रो जी एच रो इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहे आप शेप ऑफ वेसल कौन सा भी लो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन वो हाइट पे डिपेंड करेगा है ना हाइट अफेक्ट करती है इसीलिए रिलेशन बनता है रो जी एच प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ उसके बाद हमने एब्सोलूट प्रेशर क्या होता है वो देखा था उसके बाद हमने देखा था कि गॉज प्रेशर जो है गॉज ने क्या कहा था कि सिर्फ आ, किसी लिक्विड कॉलम के ऊपर बस वो लिक्विड का प्रेशर नहीं होता और एक प्रेशर उसमें ऐड होता है कौन सा दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर और उसी की हमने बात की प्रेशर इक्वल क्या होता है? होता है है प्लस सिर्फ रोजी एच नहीं होता मतलब किसी लिक्विड का ही प्रेशर नहीं होता उसके साथ साथ एक और प्रेशर होता है दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि ये हमारे सराउंडिंग में एटमोस्फियर है दैट कंटिन्यूसली एट द प्रेशर ऑन एवरी ऑब्जेक्ट ओके तो ये प्रेशर उसकी हमने बात की थी फिर हमने इसका डिफरेंस निकाला था P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है रो रोजी एच और इसी डिफरेंस को हमने क्या कहा था दिस इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर इसको कहा जाता है गॉज प्रेशर या फिर हम इसको गेज प्रेशर ऐसे भी बोल सकते हैं तो इसकी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बात की है तो बच्चों प्रेशर क्या होता है प्रेशर कैसे मेजर करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है एटसेट्रा एट्सेट्रा सभी चीजें हमने स्टडी की थी बट क्या ये प्रेशर मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता है तो मेरा आंसर है यस yes. इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करेंगे वो हम लोग देखने वाले ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर लेकिन बच्चों इसके पहले मैं आपको बता दू आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेक्चर सुनते वक्त आप लोग नोट्स भी निकालोगे नोट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद की नोट्स निकालोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिजिक्स में रटना मना है ये एक बात याद रखो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो बच्चों देखो सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज करके हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहला टाइप है दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर जो प्रेशर मेजर करने के लिए जो हम लोग मीटर्स यूज करेंगे जैसे कि करंट मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एम मीटर यूज करते हैं राइट वोल्टेज मेजर करना होता है आपको क्या यूज करना होता है वोल्ट मीटर अगर हमें टाइम मेजर करना है तो हम वॉच यूज करते हैं तो ये क्या है दीज आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले जो प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करेंगे उनको क्या क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है प्रेशर मीटर्स प्रेशर मीटर्स और इसको गॉज मीटर भी बोला जाता है ओके okay? तो ऐसे कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनका यूज करके हम लोग प्रेशर मेजर कर सकते हैं गॉज मीटर्स और वैक्यूम गॉजेस ऐसे भी इसको बोला जाता है ओके okay? तो देखो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर मर्क्यूरी बैरोमीटर यह एक इंस्ट्रूमेंट है दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज दैट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर बच्चों जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है वो स्पेशली हम लोग किसके लिए यूज़ करने वाले हैं दैट इज यूज टू मेजर इट इज़ यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्पेरिक प्रेशर इसको हम लोग एटमोस्पेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करेंगे एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो है ये हम लोग इट इज यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस इसको हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करेंगे मतलब क्या दैट इज पी माइनस पी नॉट इसके लिए ओके okay. ये कौन सा प्रेशर है याद आया इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था दिस इज द गॉज प्रेशर प्रेशर डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं गॉज प्रेशर मतलब एप्सुलट प्रेशर एंड एटमोसफेरिक प्रेशर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग गॉज प्रेशर बोलते हैं तो इसका यूज करके हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे दैट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर एंड मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज़ करके हम लोग एटमोस्पेरिक प्रेशर मेजर करेंगे ओके okay? तो इसको दोनों को नोट डाउन करो होप्स so आपने पेन एंड नोटबुक आप लोग लेके बैठे होंगे अपनी खुद की नोट्स बनानी है जब आप खुद की नोट्स बनाते हैं तो बहुत ईजी लगता है टॉपिक जल्दी से इसको कॉपी करो तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करके हम लोग प्रेशर कैसे मेजर करेंगे कौन सा प्रेशर दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर आपने अपनी लैबोरेटरीज़ में देखा होगा अगर आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो वहां पे मर्क्यूरी बैरोमीटर जरूर होता है तो देखो एक्चुअली टॉरीसिली नाम का एक साइंटिस्ट है साइंटिस्ट था है नहीं टॉरी टॉरी ओके तो टॉरी सिलीज नाम का एक साइंटिस्ट था उसने क्या किया था उसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था मर्क्यूरी बैरोमीटर मतलब क्या देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम लोग क्या कंसिस्ट करेंगे मर्क्यूरी कौन सा कौन सा सब्सटेंस लेने वाले है? हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मर्क्यूरी ही क्यों पानी क्यों नहीं लिया आपने क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो एक डेंसेस लिक्विड है इसलिए हम लोग ले रहे हैं डेंसेस्ट क्यू वो भी बताऊंगी मैं आपको एक्सपेरिमेंट होने दो उसके बाद बताऊंगी मर्क्यूरी एक डेंसेस लिक्विड है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है दूसरी बात ये क्या है दिस इज ओपेक ओपेक का मतलब क्या होता है कि ये शाइनी है मतलब लाइट इसमें से पास नहीं होता लाइट ट्रांसफर नहीं होता उसकी वजह से जो उसका सरफेस है लिक्विड का जो सरफेस है वो हमें क्लियरली दिखता है कि कहाँ तक गया है इसकी हाइट कितनी है इससे हमें पता चलता है तो ये एक ओपेक एंड शाइनी है ओके okay? तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे मर्क्यूरी कंसिडर करने वाले हैं तो मर्क्यूरी का शेप कैसे होता है ऊपर का जो शेप होता है मर्क्यूरी का इसके बाद जो पॉइंट हम लोग स्टडी करने वाले वो वही है उसका शेप कुछ ऐसे होता है मतलब लाइक like कॉन्वेक्स है ना मर्क्यूरी का जो सरफेस है सरफेस का शेप एक कॉन्वेक्स शेप होता है इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक ट्यूब लेंगे हम लोग एक ट्यूब नियरली इक्वल टू वन मीटर की ट्यूब होती है तो एक ट्यूब हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे एक मिनट हाँ तो देखो यहाँ पे एक ट्यूब हम लोग लेंगे तो वो ट्यूब को हम लोग क्या करने वाले हैं एंड तक फिल करेंगे हम लोग मर्क्यूरी से यहाँ पे भी मर्क्यूरी है ये ट्यूब में भी हम लोग मर्क्यूरी ही फिल करेंगे तो यहाँ तक मतलब पूरा कॉर्नर तक उसको हम लोग फुल करेंगे मर्क्यूरी से मर्क्यूरी से फुल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस ट्यूब को ऐसे पकड़ के इसके अंदर इंसर्ट करेंगे ओके इंसर्ट करने के बाद हम लोग छोड़ देंगे राइट ना तो देखो यहाँ पे जो ट्यूब हमने ली उसको हमने इसके अंदर इंसर्ट किया इंसर्ट करने के बाद हमने उस ट्यूब को छोड़ दिया ओके तो क्या होगा देखो ये जो मर्क्यूरी है ये यहाँ तक भरा हुआ था हमने मतलब पूरी फिल की थी हमने ट्यूब को कम्प्लीटली फ़िल किया था अब जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो जो सरफेस है वो कुछ हाइट तक नीचे आ जाएगा है ना यहाँ पे मर्क्यूरी है ये पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है जब हमने इसको इंसर्ट किया इसके अंदर तो वो सरफेस कुछ हाइट तक नीचे आ गया और यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे बच्चों तो यहाँ पर एयर नहीं है यहाँ पे एम स्पेस है लेकिन यहाँ पे एयर नहीं है यहाँ पे क्या है वैक्यूम है यहाँ पे क्या है वैक्यूम और इस वैक्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज टॉरी सीलिज वैक्यूम टॉरी वैक्यूम एंड वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते वैक्यूम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते उसकी वजह से ये वैक्यूम इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्ट नहीं कर सकता वही अगर एटमॉस्फेयर में होता मतलब देखो ये प्लेन सरफेस किसको टच कर रहा है एटमॉस्फेयर को किसके कांटेक्ट में है एटमॉस्फेयर के तो इस सर्फेस के ऊपर एटमॉसफियर का प्रेशर है लेकिन यहाँ ट्यूब के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर एटमॉसफेयर का प्रेशर नहीं है क्योंकि हमने क्या किया है उसको कंप्लीटली फील करके छोड़ा है तो वहाँ पर एयर थी

क्योंकि देखो डेंसिटी एंड हाइट का क्या रिलेशन होता है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के अगर हाइट इंक्रीज हुई तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है अगर हाइट डिक्रीज हुई तो डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो हमें हाइट कम चाहिए क्यों कम चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी ट्यूब कैरी करना पॉसिबल नहीं है है ना तो इसलिए हमें हाइट कम चाहिए यानी कि हाइट कम होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं मर्क्यूरी का और ये ट्यूब को इजीली कैरी कर सकते हैं और इजीली उसको मेजर कर सकते हैं इसीलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा लिक्विड लेते हैं डेंसेस लिक्विड लेते हैं जो कि मर्क्यूरी है ओके ओपेक है मतलब शाइनी क्योंकि यहाँ से ये जो सरफेस हमें दिख रहा है ये सरफेस हमें क्लियरली दिखेगा अगर वही रिफ्लेक्शन लाइट अगर वहाँ से पास हो रहा है तो लाइट की वजह से हमें ये सर्फेस ऊपर नीचे दिख सकता है तो इसको हाइट को हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते तो ये भी रीज़न है उसके बिहाइंड ओपिक लिक्विड है शाइनी लिक्विड है उसके बाद नॉट वेपराइज देखो अगर ये वेपराइज होता तो यहाँ जो एम्टी स्पेस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो वेपर्स मॉलिक्यूल्स जो है उन मॉलिक्यूल्स का प्रेशर वापस लिक्विड के ऊपर आता तो वो एटमोस्पेरिक प्रेशर हम लोग मेजर नहीं कर सकते तो ये सभी चीजें हैं ये सभी रीजन से बिहाइंड दैट क्यों हम मर्क्यूरी क्यों सिलेक्ट करते हैं कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं तो आप देखो यहाँ पे आते हैं वापस अपने टॉपिक की ओर टॉली सीरीज वैक्यूम है मतलब यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ पे मैं चार पॉइंट्स चार नहीं तीन सफिशियंट है तीन पॉइंट्स कंसिडर करने वाली हूँ देखो मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूंगी जो कि आपका ए पॉइंट है ठीक है उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाली हूँ एग्जैक्टली जो कि मैं जिसको नाम देने वाली हूँ बी पॉइंट उसके बाद इसके ही हॉरिजोंटल लेवल पे मैं तीसरा पॉइंट कंसिडर करूंगी जिसका नाम है सी ओके बी के ही हॉरिजोंटल लेवल पे अब देखो ये जो लिक्विड है इसकी हाइट जो है मैं एच कंसीडर करने वाली हूँ तो अभी ये तीनों पॉइंट्स का प्रेशर देखो क्या रहेगा ठीक से देखो सब लोग अंडरस्टैंड कर लो ईजी है वैसे देखा जाए तो अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है ये वैक्यूम के कांटेक्ट में है मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो पॉइंट ए के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं रहेगा पॉइंट बी के ऊपर क्या प्रेशर रहेगा सोचो ज़रा पॉइंट बी के ऊपर प्रेशर एट बी इज इक्वल टू ये हाइट जो है उस हाइट की वजह से यहाँ पे क्या रहेगा रो जी एच रहेगा प्लस हम लोग क्या लिखते हैं पॉइंट ए का प्रेशर मतलब पॉइंट ए ओके तो प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो जी एच इतना प्रेशर बी के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे हम लोग लेकिन बी पी ए कितना है पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो जीरो पास्कल, जीरो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पी ए की जगह पे मैं जीरो पुट करती हूँ तो पी बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा जीरो प्लस रो जी एच ऐसे मतलब पी बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा रो जी एच अब पी बी कितना है देखो ये बी पॉइंट एंड सी पॉइंट बोथ आर ऑन हॉरीजोंटल लेवल है ना एंड हमें पता है कि हॉरीजोंटल लेवल पे हॉरीजोंटल पॉइंट्स हैविंग इक्वल प्रेशर है ना जितने भी हॉरिजोंटल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर इक्वल प्रेशर होता है ओके हॉरिजोंटल पॉइंट्स हैविंग इक्वल प्रेशर मतलब यहाँ पर देखो अभी सी के ऊपर कितना प्रेशर है ऊपर क्या है एटमोस्फियर तो सी के ऊपर एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट मतलब पी सी इज इक्वल टू कितना है पी नॉट और अभी मैंने आपको बताया इक्वल प्रेशर है इनका इसका मतलब पी सी इज इक्वल टू क्या है पी बी और अगर पी सी इज इक्वल टू पी बी है पी सी इज इक्वल टू पी नॉट है तो मैं बोल सकती हूँ कि पी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा पी नॉट रहेगा इसका मतलब इस पी बी की जगह पे मैं पी नॉट पुट कर सकती हूँ यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिलेगा पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच तो बच्चों बस इस रिलेशन का यूज़ करके ये पी नॉट क्या है पी नॉट इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी नॉट का यूज़ करके मतलब रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एच हाइट ऑफ द लिक्विड इन सब का यूज़ करके आप लोग ये प्रेशर निकाल सकते हैं जो कि पी बी के ऊपर है आया समझ में सबको तो बच्चों ये रीज़न है एंड ये प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर जो कि टॉरी सिलीज नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था उसका यूज़ करके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं ओके तो इसको जल्दी से कॉपी करो डायग्राम निकाला अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है इसके ऊपर तो सेम जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वही प्रोसेस का यूज़ करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं और ये जो पॉइंट्स डेरीवेशनस मैंने बताए हैं इक्वेशंस मैंने बताए हैं वो भी लिख सकते हैं मर्क्यूरी रीज़न क्या है मर्क्यूरी का वो भी आप लोग लिखोगे ठीक है ओके स्टूडेंट्स होप सो आपने कॉपी किया होगा पॉज करके कॉपी करने की कोशिश करते चलो यहाँ पर ओके अब देखते हैं हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर ओपन ट्यूब मैनोमीटर देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या है ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग टू मेजर प्रेशर डिफरेंस मेजर प्रेशर डिफरेंस दैट इज पी माइनस पी नॉट देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग एक यू ट्यूब लेंगे यू ट्यूब मतलब यू शेप ट्यूब ओके देखो एक यू शेप ट्यूब ली मैंने यहां पे ऐसा कंटेनर लिया है इसके अंदर हम लोग लिक्विड फिल करेंगे जो कि ओपन है ओपन ट्यूब है है ना इसके अंदर लिक्विड फिल किया है इस लेवल तक मैंने लिक्विड फिल किया ठीक है जो कि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करेगा यहां पे एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करके अभी तक हम लोग हाइड्रोस्टैटिक ही स्टडी कर रहे हैं दो ब्रांचेस मैंने बताई थी ना हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रो उसमें से अभी तक हाइड्रोस्टैटिक चल रही है अब देखो यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने गैस भरा है तो इस गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है मान लो इस गैस का प्रेशर मैंने पी कंसिडर किया है तो थ्रू आउट द गैस यहाँ पे सेम प्रेशर रहेगा अकॉर्डिंग टू पासकल्स लॉ तो मैं, मैं यहाँ पे तीन पॉइंट्स कंसीडर करने वाली हूँ एक पॉइंट मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगी जिसको मैं नाम देती हूँ टी पॉइंट इसके एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया है उसको मैं नाम देती हूँ एस पॉइंट ओके एंड यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया उसको मैंने नाम दिया आर पॉइंट यहाँ पे लिखती हूँ आर पॉइंट ठीक है अब देखो ये जो हाइट है दैट हाइट इज नथिंग बट द एच अब मुझे सबसे पहले एस का प्रेशर निकालना है अगर मैं एस का प्रेशर निकालूंगी तो एस का जो प्रेशर रहेगा वही टी का रहेगा और जो टी का प्रेशर रहेगा वही थ्रू आउट द लिक्विड प्रेशर रहेगा तो मैं यहाँ पे एस का प्रेशर पी एस मान के चलती हूँ पी एस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट एस प्रेशर एट पॉइंट एस ओके उसके बाद टी का प्रेशर में पी टी मानती हूँ PT इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट टी प्रेशर एट पॉइंट टी एंड वो कितना है पी टी इज इक्वल टू है पी क्योंकि ये गैस का प्रेशर जितना है उतना ही टी के ऊपर प्रेशर रहेगा ओके okay? उसके बाद आर पॉइंट के ऊपर पी आर कितना होगा बोलो प्रेशर एट पॉइंट प्रेशर एट पॉइंट आर कितना है दैट इज एटमोस्पेरिक प्रेशर इट इज इक्वल टू एटमोस्पेरिक प्रेशर क्योंकि देखो आर किसके कॉन्टेक्ट में है एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में तो ये क्या रहेगा एटमोसफेरिक प्रेशर तो एटमोसपेरिक प्रेशर बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे पी नॉट ले रहे हैं ना तो पी आर इज इक्वल टू कितना पी आर इज इक्वल टू आएगा पी नॉट ओके ये सभी पॉइंट्स ले लिए अब बात करते हैं एस की एस की जो प्रेशर रहेगी वही यहाँ पे टी की प्रेशर रहेगी तो पी एस इज इक्वल टू कितना आएगा देखो सोचो जरा इसके ऊपर एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है आर पॉइंट मतलब PR पी आर का प्रेशर PR प्लस ये लिक्विड का प्रेशर पी आर प्लस जी एच ये प्रेशर रहेगा पी आर प्लस रो जी एच तो पी आर कितना है यहाँ पे पी नॉट तो पी एस इज इक्वल टू कितना आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच तो बच्चों जितना प्रेशर पी एस का है उतना ही टी का रहेगा बिकॉज पी एस एंड टी बोथ आर एट हॉरिजॉन्टल लेवल एस एंड टी आर एट हॉरिजॉन्टल लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल इन इक्विलिब्रियम फ्लूड है ना फ्लूड इक्विलिब्रियम में है मतलब रेस्ट रेस्ट पे इक्विलिब्रियम इसका मतलब दोनों का प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा देर फोर पी एस इज इक्वल टू क्या रहेगा पी टी रहेगा तो इसकी जगह पे मैं पी एस की जगह पे पीटी पुट कर सकती हूँ ओके इधर लिखते हैं देर फोर पी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे पी नॉट प्लस रो जी एच बट पी टी इज इक्वल टू क्या है पी टी इज इक्वल टू है पी तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकती हूँ पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच एंड बच्चों ये पी नॉट को मैं इस साइड शिफ्ट करूँ तो क्या मिलेगा पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच यही क्या है आपका प्रेशर डिफरेंस वेर पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ये हमारा प्रेशर डिफरेंस है अंडरस्टैंड एवरी तो ऐसे हम लोग ये यू ट्यूब शेप का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर इसका यूज करके हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर कर सकते हैं इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में लेकिन हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैं आपको लेने वाली वाले क्वेश्चन भी अभी लेते हैं थोड़े दो तीन क्वेश्चन अभी लेंगे हम लोग ठीक है और लास्ट में मैं वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का एक लेक्चर बनाती हूँ मतलब एम सी क्यूज प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चनस का एक लेक्चर मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स में भी बनाए यहाँ पर भी, भी मैं बनाने वाली हूँ हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एक लेक्चर ऐसा लेंगे जिसमें सी टी जे ई एंड नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है तो उसके पहले इसको कॉपी करो एंड अभी इसी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ ओपन ट्यूब से रिलेटेड सो ने इसको कॉपी किया होगा अच्छे से तो क्वेश्चन देखते हैं इसको भी मैं रफ करती हूँ हाँ देखो क्वेश्चन क्या है एक ऐसे ओपन ट्यूब मैनोमीटर लिया ओके okay. इसके अंदर एक फ्लूड भरा है मान लो यहाँ तक वो फ्लूड है ऐसे पूरा फ्लूड भरा है यहाँ पे एक कंटेनर है ओके यहाँ तक ओके ये हाइट आपको देके रखी है ये हाइट दैट इज़ टू सेंटीमीटर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो देख के रखी है आपको दैट इज़ सिक्स सेंटीमीटर एंड ये टोटल हाइट फिर कितनी होगी दैट इज़ एट सेंटीमीटर ऐसे आपको देख के रखा है और आपको पूछा है कि इसका प्रेशर निकालो फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस क्वेश्चन ओके अभी क्वेश्चन का मैंने थ्योरी नहीं लिखा और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी है और मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर आप लोग लिख सकते हैं मैं बताती हूँ मैनोमीटर रीड्स द प्रेशर ऑफ अ गैस इन एन एनक्लोजर एंड शोन इन फिगर व्हाट विल बी द एब्सोलूट प्रेशर ऑफ द गैस हमें क्या निकालना है डायरेक्टली मैं ये लिखती हूं वट विल बी द एब्सोलुट प्रेशर एप्सोलूट प्रेशर ऑफ द गैस देखो यहाँ पे रोग की वैल्यू देके रखी है वन थ्री सिक्स डबल ज़ीरो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये वैल्यू दी है ऑप्शन दिए हैं देखो पहला ऑप्शन दिया है वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन बी दे के रखा है वन पॉइंट जीरो सेवन इंटू टें मीटर स्क्वेयर ऑप्शन सी आपको देके रखा है वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू टेंस टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ऑप्शन डी आपको देके रखा है वन पॉइंट वन वन इंटू टें मीटर स्क्वेयर ओके अब देखो अभी सेम फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है प्रेशर डिफरेंस नहीं निकालना बच्चों आपको यहाँ पे पी पी मतलब क्या एप्सुलट प्रेशर निकालना है मैंने आपको बताया ना पी माइनस पी नॉट क्या होता है दिस इज द दूट प्रेशर एंड दिस इज द एटमोसफेरिक प्रेशर तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है बस तो देखो फॉर्मूला हमारे पास है फॉर्मूला क्या है अपना अभी हमने स्टडी किया किसके लिए ओपन ट्यूब मैनोमीटर के लिए पी इज इक्वल टू क्या होता है पी नॉट प्लस रो जी एच ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नॉट की वैल्यू आपको पता है पी नॉट हम लोग हमेशा यूज करते हैं गिवन एटमोस्पेरिक प्रेशर मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया है क्या वैल्यू होती है पी नॉट की आपके पास नोट्स होंगे तो सभी लोग नोट्स में देखेंगे या फिर ये वैल्यू आपकी लर्निंग होनी चाहिए वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन डेज टू फाइव पास कल ये वैल्यू होती है एटमोस्पेरिक प्रेशर के रो रो कितना है यहाँ पे वन थ्री सिक्स डबल जीरो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू पी नॉट मतलब ये वैल्यू पुट करो वन पॉइंट जीरो वन थ्री इन टू टेन डेज टू फाइव पासकल ओके पासकल लिखने की जरूरत नहीं है प्लस रो रो कितना है वन थ्री सिक्स डबल जीरो इन टू जी जी की वैल्यू टेन ले लेते हैं एच एच कितना है अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस है बच्चों के बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगा कि एच जान बुझ के उन्होंने तीन तीन हाइट्स दे के रखी है टू सेंटीमीटर दिया है एट सेंटीमीटर दिया है सिक्स बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कौन सी हाइट लेनी है सिक्स लेनी है एट लेनी है कि टू तो बच्चों हम लोगों ने आपको याद होगा तो मैंने एस पॉइंट का प्रेशर लिया था है ना एस पॉइंट के लिए हाइट कौन सी है ये सिक्स वाली हाइट है तो हम लोग वही हाइट यहाँ पे लेने वाले हैं सिक्स सेंटीमीटर है वी शुड कन्वर्ट दैट इन मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटी को या फिर टेंड एस टू माइनस टू ले लो या डिवाइड बाय हंड्रेड कर लो दोनों भी चलेगा तो यहाँ पे हाइट कितनी है सिक्स सेंटीमीटर है तो मैं क्या करती हूँ डिवाइड बाय हंड्रेड टू कन्वर्ट इन अ मीटर ओके okay, हमेशा ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया करो वैल्यूज प्रेफिक्सेस आपको पता होने चाहिए नहीं पता तो वैसे कमेंट करो मैं बता दूंगी अब ये जीरो एंड ये जीरो कैंसल ये जीरो एंड ये जीरो कैंसल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तब तक ये वैल्यू एज इट इज रहने दो इन टू टेन डेज टू फाइव प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन किया जीरो आएगा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स थ्री एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू एट ओके देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या मिल रहा है एट वन सिक्स जीरो अब मैं क्या करती हूँ इसको एड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये टेन की पावर है तो मैं क्या करूंगी इसको भी टेन की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी देखो अब मैंने आपको बताया है ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे हमेशा यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद कौन सी वैल्यू बढ़ाएं मैंने ऑलरेडी बताया आपको अगर हम पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू प्लस से बढ़ती है अगर हम पॉइंट राइट right में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू माइनस से बढ़ती है तो पॉइंट है, है ना? तो मैं में करूंगी, कितने? क्योंकि मुझे पांच चाहिए है ना यहाँ पे पांच चाहिए तो मैं पांच जम्प करूंगी वन टू थ्री फोर यहाँ पे जीरो है One, two, three, four, five. Five तो वैल्यू प्लस से बढ़ेगी तो क्या मिलेगा पी इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो टेन फाइव प्लस पांच जम्प करने के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मतलब जीरो पॉइंट जीरो एट वन सिक्स जीरो इंटू टेन डेज टू फाइव पांच जम्प ओके देखो अब यहाँ पे टेन डेज टू फाइव जो है इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ तो पी इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या बचेगा वन पॉइंट जीरो वन थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट वन सिक्स जीरो इंटू टन डेज टू फाइव ओके देखो इसको एड कर लो पी इज इक्वल टू जीरो देन एक मिनट ना एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच यहाँ पे सिक्स रहेगा एज इट इज थ्री प्लस वन रहेगा फोर एट प्लस वन रहेगा नाइन जीरो प्लस जीरो रहेगा जीरो पॉइंट वन इंटू ये टेन डेज टू फाइव एज इट इज़ तो पहली तीन वैल्यूज क्या है वन पॉइंट जीरो नाइन यहाँ पे वही हमें चाहिए वन पॉइंट जीरो नाइन कहाँ मिल रहा है देखो यहाँ पे मिल रहा है तो वन पॉइंट जीरो नाइन टेन डेज टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है हमारा दिस इज नथिंग बट द एब्सोलूट प्रेशर वही निकालने बोला था ना एप्सोलूट प्रेशर निकालो ये क्या है हमारा एब्सोलूट प्रेशर तो बच्चों ऐसे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट निकालो या फिर पॉज करके इसको कॉपी कर लो तभी के नोट्स तभी कंप्लीट करते जाओ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है अब सो आपने कॉपी किया होगा अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू यूट्यूब यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बाद देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूं एक YouTube आपको दिया है ओके okay. अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने इस YouTube में दो टाइप के लिक्विड्स लिए हैं दो टाइप के फ्लूड एक की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है एक की डेंसिटी थोड़ी कम है मान लो यहाँ का जो फ्लूड है ये ज्यादा डेंसटेस्ट है यहाँ तक ओके okay. यहाँ का जो फ्लूड है इसकी डेंसिटी मान लो कम है मान लो इसकी डेंसिटी आपको देके रखी है रो इज इक्वल टू 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 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसी डेंसिटी देके रखी है यहाँ का जो फ्लूड है मान लो इसकी डेंसिटी आपको देके रखी है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों की हाइट आपको सेम दी है इसकी हाइट आपको नाइन सेंटीमीटर दी है लेट मी चेक नाइन सेंटीमीटर यस नाइन सेंटीमीटर और इसकी भी हाइट आपको देके रखी है नाइन सेंटीमीटर दोनों की हाइट सेम है एंड यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग बाउंड्री दी है स्लाइडिंग बाउंड्री आपने सेम फील किया दोनों को मतलब उतने ही लेवल तक स्लाइडिंग बाउंड्री है ये स्लाइड करेगी लिक्विड यहाँ पे स्लाइड हो सकता है लेकिन पार्टीशन है देखो यहाँ से लिक्विड पार्टीशन नहीं है एक्चुअल में लिक्विड सेपरेट हो गया क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग है इसकी डेंसिटी अलग है तो लिक्विड सेपरेट है यहाँ से हमने अलग फ्लूड फील किया यहाँ से हमने अलग फ्लूड फील किया दोनों की नाइन सेंटीमीटर नाइन सेंटीमीटर इतनी ही डेंसिटी रखी है सॉरी हाइट रखी है लेकिन डेंसिटी जो है इसकी टू एंड इसकी कितनी दी है वन दो, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है बच्चों और आपको पूछा क्या है आपको क्वेश्चन क्या पूछा है देखो आप लोग लिख सकते हैं यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज पार्शियली फिल्ड फील्ड विथिजोंटल लिक्विड टी हैविंग डेंसिटी डेंसिटी वन ग्राम अनादर है क्यूब बोथ लिक्विड फील्ड अप टू दाइट नाइन सेंटीमीटर एशोन इन फिगर देन अपू अप टू हाउ मच हाइट द लिक्विड कैन राइज और फॉल अप टू हाउ मच हाइट द लिक्विड कैन लिक्विड कैन राइज और फॉल कहाँ तक लिक्विड राइज होगा फॉल होगा ऑब्वियसली देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है मैंने आपको रिलेशन बताया रो इज़ इक्वल टू क्या होता है रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है हाइट एक मिनट है इसके ऑप्शन भी लिख लो पहला ऑप्शन मान लो वन सेंटीमीटर दिया है दूसरा ऑप्शन टू सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन थ्री सेंटीमीटर चौथा ऑप्शन आपको दिया है फोर सेंटीमीटर तो बच्चों देखो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो हाइट फॉल होगी जैसे ये फॉल होगी स्लाइडिंग बाउंड्री क्या करेगी इसको राइज करेगी है ना ये फॉल होगा और प्रेशर मेंटेन रखने के लिए इनक्लोज फ्लिड है प्रेशर मेंटेन रखेगा ये फॉल होगा और उतना ये जितना फॉल होगा उतना ही ये इस साइड से राइज होगा जितना ये इस साइड से फॉल होगा उतना ही राइज मान लो यहाँ पे x जितनी हाइट तक ये फॉल हुआ इतना x जितनी हाइट तक ये फॉल होगा तो ये क्या होगा x जितनी हाइट तक राइज होगा समझ में आया इसका मतलब इनिशियली इसकी हाइट कितनी थी नाइन सेंटीमीटर अब इसकी हाइट कितनी हो गई नाइन माइनस एक्स हो गई फाइनली हाइट कितनी हो गई एक्स सेंटीमीटर हो गई कम हो गई क्योंकि ये फॉल हुआ और इसकी हाइट पहले इनिशियली कितनी थी एच इज इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर था अब ये राइज हो गया मतलब ये कितना बन गया नाइन प्लस एक्स सेंटीमीटर बन गया ओके okay. अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है हाउ मच हाइट द लिक्विड कैन राइज और फॉल मतलब हमें क्या निकालना है एच निकालना है तो ये एच मतलब क्या आपको ये एक्स निकालना है जहां पे हमने एक्स लिया है ये एच हमने कितना लिया है एक्स लिया है तो हमें एच मत लिखो यहाँ पे एक्स ही लिखो कन्फ्यूजन नहीं होगा तो देखो बच्चों अब यहाँ पे मैं ये एक्स निकालने के लिए क्या करती हूँ मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लेती हूँ एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया मान लो इसको मैंने नाम दिया ए पॉइंट एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नाम लिया जिसको मैंने नाम दिया बी पॉइंट अब ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है अगर ये दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स का प्रेशर सेम होता है तो इन दोनों का प्रेशर यहाँ पे सेम रहेगा है ना मतलब क्या प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू क्या है प्रेशर एट पॉइंट बी तो प्रेशर एट पॉइंट ए मतलब प्रेशर हम कितना लेते हैं पी नॉट प्लस रो ए जी दोनों के लिए सेम रहेगा लेकिन एच ए यहाँ पे अलग अलग रहेगा सिमिलरली रो यहाँ पे पी बी के लिए भी सेम यहाँ का एटमोस्पेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो बी उसकी डेंसिटी जी दोनों के लिए सेम एच बी ओके अब देखो बच्चों यहाँ पी नॉट पी नॉट दोनों साइड में है तो कट हो सकता है जी जी दोनों साइड में है तो कट हो सकता है हमें मिलेगा रो ए इंटू एच ए इज इक्वल टू रो बी इंटू एच बी रो ए कितना है मतलब ये नहीं नहीं हमने इस साइड का ही लिया है मतलब ये रो ए कितना है वन सेंटीमीटर में ही रखो हमें सब ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में ही दिए है तो रो है वन एच एच कितना है एच मतलब ये हाइट हाइट कितनी है नाइन प्लस एक्स है इसके नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू रो भी कितना है यहाँ पे टू इन टू एच भी कितना है नाइन माइनस एक्स तो बच्चों कर सकते हैं इसके आगे चलो करो जल्दी से पॉज करके आप खुद ट्राई करो मैं करती हूँ यहाँ पे नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू नाइन टू जटीन एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं टू एक्स ओके देन 2x को इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा 2x ये माइनस है इस साइड आके प्लस बनेगा 2x एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एटीन ये प्लस नाइन उस साइड जाके माइनस नाइन बनेगा तो 2x एक्स प्लस एक्स कितना हुआ 3x एक्स एटीन माइनस नाइन कितना हुआ 9 सो so x इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बाय थ्री दैट इज थ्री थ्री जा नाइन तो x की वैल्यू हमें मिलती है थ्री सेंटीमीटर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर थ्री अंडरस्टैंड एवरी तो बच्चों ऐसे YouTube से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप YouTube पे देखो YouTube के क्वेश्चन YouTube पे देखो है ना तो ये YouTube के क्वेश्चन मतलब U शेप ट्यूब के क्वेश्चन आप लोग YouTube पे देखोगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करो तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जिसमें हमने स्टडी किया मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या होता है अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें और फिजिक्स के लिए स्लोगन याद रखें फिजिक्स में रटना मना है आप लोग खुद ट्राई करोगे अंडरस्टैंड करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ओके तो आज हम यहीं पे रुकते बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ाई करते रहो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय